दारू एक ऐसी चीज है जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहाँ अपने आप को इससे दूर कर पाते हैं। जब किसी का दिल टूटता है तो दारू पी लेता है, जब किसी की नई नई सेटिंग होती है तो दोस्तों के साथ दारू पी लेता है। यहाँ तक कि लॉकडाउन के बाद सबसे पहले दारू की ही दुकान खुली थी। दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जिससे दूर तो रहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग रह नहीं पाते। तभी तो कहा जाता है कि हर शादी की जान आजकल दारू बनती जा रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस दारू को बनाया कैसे जाता है, जी हाँ कैसे तैयार होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली दारू यानी कि रॉयल स्टैग आज हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों रॉयल स्टैग दारू के बारे में कहा जाता है कि इसकी बात ही अलग है। जी हाँ, कम दाम में जोरदार माल मिलता है और यही वजह है कि हमारे देश में बहुत पॉपुलर है ये। हर किसी की शादी में यही ज्यादातर चलता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता होगा? जी हाँ, क्या कभी आपने सोचा है कि इसे फैक्ट्री में कैसे तैयार करते हैं? आज हम आपको बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो रॉयल स्टैग को बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी की गेहूं और मक्के की जरूरत होती है। जी हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन में रॉयल स्टैग को बनाने के लिए 4 फैक्ट्रीज हैं। ये हैं दमन में, कोलकाता, मुंबई और गुड़गांव में। जी हाँ, यहीं पर तैयार की जाती है रॉयल स्टैग। दोस्तों सबसे पहले कंपनी वाले अच्छी क्वालिटी की गेहूं और मक्के को खरीदते हैं। ये या तो मार्केट से ले आते हैं या फिर डायरेक्ट खेत से ले लेते हैं। दोस्तों उसके बाद 12 घंटों तक इस अनाज को स्टेराइल वाटर में छोड़ दिया जाता है। इसे अच्छे से ऑब्जर्व होने का मौका मिलता है। दोस्तों उसके बाद अनाज को ड्रेन कर दिया जाता है, लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता। जी हाँ, उसके बाद इसे 14 घंटों तक फिर से नए पानी में रखा जाता है। दोस्तों 14 घंटे के बाद इस अनाज को सुखाया जाता है। जी हाँ, अच्छे से इन्हें फ्लोर पर रखा जाता है और उसके बाद इनको सुखाया जाता है। आप देखिए कैसे यहाँ पर अनाज को सुखाया जा रहा है। एक लाइन से सबको फ्लोर पर रख दिया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि इन्हें कुछ दिनों के लिए एक बंद कमरे में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद तकरीबन 6 दिनों के बाद इस अनाज को पीसा जाता है। लेकिन आपको पता हो कि जब अनाज को पीसा जाता है तो उस समय इसे खूब सारे धुएं से निकाला जाता है ताकि शराब में एक अलग ही स्मोक का स्वाद आ जाए। जी हाँ, तभी तो रॉयल स्टैग सबसे ज्यादा अलग है। बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में। दोस्तों उसके बाद 2 दिनों के लिए एक बार फिर से अनाज को छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, उसके बाद इस अनाज का सैंपल लिया जाता है और क्वालिटी चेक होता है। दोस्तों अब जब सैंपल पास हो जाता है तो उसके बाद अनाज को एक बार फिर से बारीक पीस दिया जाता है, और जब ये अच्छे से पिस जाता है तो उसके बाद इसे सड़ाया जाता है। जी हाँ, देखिए कैसे पिसे हुए अनाज को सड़ाया जा रहा है। दोस्तों उसके बाद इस कंटेनर में रखे अनाज में मिला दिया जाता है इसे। इसके बाद इस पानी को बैक्टीरिया एक्शन को तेज कर देता है। दोस्तों तकरीबन 2 दिनों तक लगातार सड़ने के बाद बनता है तेज गंध वाला अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इन्हें कैसे निकाला जा रहा है। वैसे आपको बता दूं कि रॉयल स्टैग स्कॉच विस्की है, जिसका मतलब होता है कि इसे बनाने के बाद कम से कम 3 सालों तक स्टोर करके रखा जाता है। जी हाँ, जब बैच नंबर के 3 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद ही इसे मार्केट में पैक करके बेचा जाता है। दोस्तों ये तो थी रॉयल स्टैग के बनने की प्रक्रिया। इसे बनाने के लिए कई सारे स्टेजेस लगते हैं, लेकिन जब ये बनकर तैयार होता है ना तो इसका लेवल ही अलग होता है। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है माचिस की तीली। जी हाँ, जब आप रॉयल स्टैग पीते हैं तब आपको माचिस की तीली की भी खूब जरूरत पड़ती होगी, बस ये ना पूछिएगा कि क्यों। तो आइए जानते हैं कैसे बनाते हैं माचिस की तीली को और क्या है इसका इतिहास। ये चीज बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत कमाल की है कि नहीं। हम रोजाना कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वे बनती कैसे हैं ये हम नहीं जानते। ऐसी एक चीज है माचिस, जिसे हम अपने घरों में रोज इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। चलिए जानते हैं माचिस के बारे में और भी कुछ बातें। माचिस का निर्माण इंग्लैंड के जॉन वॉकर ने 1827 में किया था। इसे लकड़ी के टुकड़े पर गोंद, स्टार्च, एटीमनी, सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड लगाकर बनाया गया था, पर यह सेफ नहीं थी। भारत में माचिस का निर्माण सन 1895 में शुरू हुआ। पहली फैक्ट्री अहमदाबाद में और फिर कलकत्ता में खुली थी। स्वीडन की एक मैच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भारत में माचिस बनाने की कंपनी खोली। ये कंपनी वेस्टर्न इंडिया मैच कंपनी के नाम से काम कर रही है। भारत में कुछ ही फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिसका सारा काम मशीनों से होता है, जबकि ज्यादातर फैक्ट्रीज में हाथों से ही काम होता है। दोस्तों अलग अलग निर्माता माचिस को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन माचिस बनाने की मूल प्रक्रिया तकरीबन एक ही जैसी रहती है। माचिस की तिल्लियां बनाने के लिए लकड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर भिन्न भिन्न रासायनिक तत्वों को आसानी से लगाया जा सके और वो उन्हें कुछ हद तक सोख भी ले। साथ ही साथ लकड़ी की कठोरता भी इतनी होनी चाहिए कि वो उस पर जलाने के लिए लगाए जाने वाले दबाव को सहन कर सके और टूटे ना। केवल इसी प्रकार की लकड़ी को ही छोटी छोटी तिल्लियों के रूप में काटा जाता है। आमतौर पर माचिस की तिल्लियां बनाने के लिए या तो सफेद देवदार की लकड़ी या फिर स्पेन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है।
माचिस की तिल्लियों को आकार दिए जाने के बाद उन्हें अमोनियम नाइट्रेट में डुबाया जाता है, जिससे कि वो माचिस की तिल्लियां उसे सोख लें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माचिस की तिल्लियां ऊपरी रसायन के खत्म होते ही बुझ ना जाएं। दरअसल माचिस की तिल्लियों के निर्माण की प्रक्रिया में माचिस की तिल्लियों के ऊपरी भाग को गर्म पैराफिन वैक्स में डुबाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इस पैराफिन वैक्स में डूबी हुई लकड़ी की नोक को जब सिंथेटिक सतह पर रगड़ा जाता है, तब इस रगड़ के कारण उसे आग पकड़ने में आसानी होती है। इसके बाद अमोनियम फॉस्फेट माचिस की तिल्लियों को जलते रहने में मदद करता है। इन छोटी सी माचिस की तिल्लियों का सिरा दो भागों में बटा होता है, नोक और उसका अंदरूनी भाग। नोक में तो फॉस्फोरस सल्फाइड होता है और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। फॉस्फोरस सल्फाइड किसी कठोर सतह से रगड़ खाने पर बहुत आसानी से जल उठता है और पोटेशियम क्लोराइड जलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। नोक पर साथ ही कुछ चूरा किया हुआ कांच भी होता है, जिससे कि माचिस की तिल्लियों की उपभोग दर को नियंत्रण में रखा जा सके। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि नोक को सफेदी देने के लिए इसमें थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड भी मिलाया गया हो। नोक के आधार में सल्फर, रोजिन और थोड़ी सी मात्रा में पैराफिन वैक्स होता है, जो माचिस की तिल्लियों के जलने में मदद करता है। आधार को रंग देने के लिए इसमें कई बार ऐसा रंग डाला जाता है जो कि पानी में घुल सके। माचिस का डिब्बा बनाने के लिए कार्डबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। माचिस की तिल्लियों का उत्पादन अनेक चरणों में होता है। सबसे पहले तो माचिस की तिल्लियों को काटा जाता है, फिर उन्हें एक विशेष तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तथा इसके बाद इन्हें इकट्ठा किया जाता है। जब भी माचिस की तिल्लियों की जरूरत होती है तो उन्हें एक पंक्चर हुए बेल्ट में लगा दिया जाता है, और जब माचिस की तिल्लियां सूख जाती हैं तो वो बेल्ट उन तिल्लियों को बंडलिंग जोन में ले जाता है। इस बंडलिंग जोन में एक बहुत से दांतों वाला पहिया घूमता रहता है, जो कि इन तिल्लियों को बेल्ट में से निकालकर एक कंटेनर में डाल देता है। इस कंटेनर में इनका सही माप किया जाता है ताकि इन्हें माचिस के डिब्बे में आसानी से डाला जा सके। कंटेनर में से इन तिल्लियों को गत्ते के डिब्बों के अंदरूनी भाग में डाला जाता है। ये गत्ते के डिब्बे कंटेनर के नीचे लगे एक ट्रांसपोर्ट लाइन पर निरंतर चलते रहते हैं। एक बार में करीबन 10 माचिस के डिब्बे भर जाते हैं। संक्षेप में कहें तो बेल्ट माचिस के उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा करता है, जहां माचिस की तिल्लियों को टैंक में डाला जाता है, सुखाया जाता है और फिर माचिस के डिब्बों में भर दिया जाता है। माचिस के डिब्बों के उत्पादन की प्रक्रिया में सबसे पहले माचिस के डिब्बों के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों को काटा जाता है, फिर उस पर प्रिंट किया जाता है और फिर उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है। माचिस के डिब्बों का बाहरी भाग एक अन्य ट्रांसपोर्ट लाइन पर चलता है, जो कि प्राथमिक बेल्ट के समानांतर होता है। दोनों ही बेल्ट जल्दी रुक जाते हैं। उसके बाद माचिस के डिब्बे के अंदरूनी भाग को उसके बाहरी भाग के अंदर डाल दिया जाता है, और ये माचिस के डिब्बे के अंदरूनी भाग को बाहरी भाग में डालने की प्रक्रिया प्रत्येक एक सेकंड में एक बार दोहराई जाती है। माचिस की भरी हुई डिब्बियां फिर किसी परिवहन की मदद से एक मशीन तक पहुंचाई जाती हैं। ये मशीन इन माचिस की डिब्बियों को अच्छे से जमा करके एक बड़े से गत्ते के डिब्बे में बंद कर देती है, जिससे कि इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।